कानपुर प्रभु श्री रामलला के दर्शन हेतु आगामी 7 मार्च को मां शून्य पक्ष प्रमुख उद्धव साहेब ठाकरे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के आगमन के कार्यक्रम को लेकर शिवसेना कानपुर मंडल के पदाधिकारियों के द्वारा की गई बैठक के संबंध में शिवसेना कानपुर के पदाधिकारियों की एक बैठक गोपाल विहार बराज 6 स्थित कार्यालय में मंडल प्रमुख शिव कुमार विश्वकर्मा के नेतृत्व में सम्पन्न हुई। मंडल प्रमुख ने पदाधिकारियों को बताया कि आगामी 7 मार्च को मां शून्य पक्ष प्रमुख उद्धव साहेब ठाकरे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र प्रभु श्री रामलला के दर्शन हेतु आने का कार्यक्रम प्रस्तावित हुआ है। उन्होंने बताया कि कानपुर मंडल के सभी पदाधिकारी नगर व जिले एवं विधानसभा वार्ड स्तर की बैठक कर शिव सैनिकों को कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में पहुँचने का आह्वान करे। CAA NRC को लेकर मंडल प्रमुख ने कहा, वो वैसी जैसे लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं, यह एक समान प्रक्रिया है जो होनी ही चाहिए। इससे लोगों को डराने की जरूरत नहीं है। उन लोगों को डराने की जरूरत जरूर है जो लोग किरायेदार बनकर अवैध तरीके से रहे हैं और देश आतंकवादियों के साथ मिलकर दिल्ली के शाहीन बाग जैसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं। बैठक में राजेश तिवारी मीडिया प्रभारी, सोमदत्त वर्मा, नरेश शर्मा प्रचार प्रमुख, सत्य प्रकाश गुप्ता संयुक्त, सर्वेश शर्मा जिला प्रभारी कानपुर ग्रामीण, सचिव शिवम शुक्ला प्रचार सचिव, उमेश सोनी प्रचार सचिव कार्यवाही प्रमुख, सत्य प्रकाश विश्वकर्मा प्रचार सचिव, सुनील चौरसिया सरमन शुक्ला कामेश्वर शात्री कार्यवाहक प्रमुख, गोविंद कुशवाहा सचिव, संजू जी सदस्य आदि पदाधिकारी मौजूद रहे। इससे कोई जनता का नुकसान नहीं जी। ओवैसी जैसे बंधु जो हैं, ये देश में भ्रम किसकी पैदा कर रहे हैं, देश को बांटने के काम करते हैं। आप लोग देख ही रहे हैं, कह रहे हैं कि 1.25 करोड़ हिंदुओं पर हम 26 करोड़ जो हैं वो भारी हैं। खाना हिंदुस्तान का है, रहना हिंदुस्तान में है, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने के आदि हैं। अच्छा लगता तो वही चले जानो, यहाँ क्या कर रहे। ओवैसी जैसे लोगों पर राठ 2 का मुकदमा चला के इन्हें देश से निकालने काम करना चाहिए। तो आपके हिसाब से ओवैसी के ऊपर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए जो आपत्ति जनक इसलिए दे रहे हैं? नागरिकता ही खत्म कर देनी चाहिए जी। मैं ये मांग करता हूँ, जिसको हिंदुस्तान प्यारा नहीं है जी, पाकिस्तान की चिंता है उसे जी, तो पाकिस्तान चला जाए भाई। उन्होंने क्या वाणी है, क्या कार्य करे जिनमें से आपको लगा है कि उन्होंने पाकिस्तान के पक्ष में बोला है? देखो, जैसे उन्होंने कहा, उनके भाई हैं अजरुद्दीन ओवैसी जी, उनके मंच में अभी आपने देखा जी, एक छोटी सी कोई बेटी है, उसको सिखा पढ़ा के, हिंदू है वो जी, उसको सिखा पढ़ाया गया है जी, और पाकिस्तान जिंदाबाद कहने लगवा दिए गए जी। ओवैसी साहब बैठे हैं, इससे क्या अर्थ निकाले आप? सीधी सी बात है, आप पाकिस्तान की तारीफ दायर करते हैं, वकालत करते हैं, तो हिंदुस्तान छोड़िए, पाकिस्तान चले जाइए। मैं मांग करता हूँ जी।